हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। अब देखिए यहाँ पर जो है KOH दिया हुआ है। KOH का मतलब आप समझते हो ये OH माइनस, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल कहीं से एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो है सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन तभी करेगा जब कोई कार्बन इसको हाइड्रोजन दे दे या इसको कहीं से हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये यहां पर अटैक करता है तो तब तो डायरेक्ट ब्रोमीन ही बाहर हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट ये OH टाइप का प्रोडक्ट अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा प्राइमरी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है अगर ये यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से निकाल ले, तो इस बात की क्या गारंटी है कि यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो सोचिए जब भी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहीं से भी निकाला जाता है तो वहां पर कार्बन आयन्स बनता है, ठीक है। और ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन के निकलने के बाद बनने वाले कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी। तो देखिए यहां पर जो कार्बन आयन्स को स्टेबिलिटी मिल रहा है दोनों तरफ से रेजोनेंस से मिल रहा है, इसका मतलब जो हमने सोचा था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो हर हमेशा जब भी न्यूक्लियोफाइल आए ना, ठीक है, तो आप एक बार ये तो जरूर सोच लीजिए कि कहीं एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है कैसे। खैर तो ये कार्बन आयन्स बना। अब जैसे ही कार्बन आयन्स बना तो आप देखिए यहां पर जो ये कार्बन पर निगेटिव है और ये ऑक्सीजन पर निगेटिव है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल हो गया इस क्वेश्चन में, दो न्यूक्लियोफाइल हो गया, एक OH माइनस और दूसरा CH माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन पर निगेटिव चार्ज जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो क्या करेगा, अब ये वाला जो है कार्बन यहां पर अटैक करेगा और अटैक करके ब्रोमीन को बाहर करेगा। तो सिंपली जो है आपको क्या करना है, इस वाले पर इस वाले ग्रुप को लगा देना है। तो आप देखिए गौर से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है 107 के बारे में देखिए। 107 में देखिए यहां पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी ओ नहीं है यहाँ कार्बन ही है, और ये है सी ओ, ठीक है, और ये ओ एच। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं, पहले तो दिया है मिथाइल लिथियम एक्सेस है, तो लिथियम जो है इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाए हुए होगा तो यहां पर मिथाइल निगेटिव चार्ज के रूप में है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप गौर से सोचिए, देखिए ये जो अल्कीन है अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है ना कि न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहाँ पर तो अटैक होने से रहा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर ये COH है तो COH पर भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ से क्या है कि ये जो HCl दिया हुआ है ना HCl, तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये सबसे पहले हमें प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। प्रोटोनेशन के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2+ में, ठीक है, मतलब H2O में, और H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहां से H2O लीव करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे ही बच्चों यहां पर डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन के बाद जो है यहां पर ये कार्बन और ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद यहां पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ME एज ए न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है Me-, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फटाक से इस पर अटैक करेगा। बेसिकली H2O इस तरह से नहीं निकलेगा, मैंने थोड़ा सा मैंने रिजल्ट सही बताया लेकिन बताने का तरीका गलत है, ठीक है। क्या हुआ होगा मैं समझाता हूँ। सबसे पहला नंबर जो है ये Me है और ये H2O बन ही चुका है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर अटैक किया होगा, ये खुला नेगेटिव चार्ज के रूप में और ये दोबारा रीअटैक करके और ये यहां से फिर निकला होगा, है ना, और तब जाकर जो है अपने को यहां पर डायरेक्ट Me जोड़ लीजिए, इस तरह से मिला होगा। एक प्रकार से मैं ये बोलूंगा कि आपको जो है मिथाइल कीटोन मिल गया। क्या मिल गया, मिथाइल कीटोन मिल गया। और मैं आपको बताऊं, देखो इसको मिलना ही था, आप क्वेश्चन जैसे कोई भी दे तो आप डायरेक्ट स्टार्ट ना करके आप क्वेश्चन को पूरे को देखिए। देखिए लास्ट में क्या है, आयोडो फॉर्म है, तो
आयोडो फॉर्म मिला है, ठीक है, CH3 मिला है, तो इसका मतलब 100% मिथाइल कीटोन तो बनेगा ही बनेगा। और यहां पर वैसे भी देखिए Ai2+NaOH लिया हुआ है, इसका मतलब ये सब जुगाड़ लगा के जो है यहां पर मिथाइल कीटोन बनना ही था। समझ गए बात को? अब देखिए क्या होने वाला है। तो Ai2+ का NaOH जब होगा, यहां से Ai2+NaOH लेंगे, तो ये जो मिथाइल है ये यहां से क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, और ये जो है COH के रूप में बदलता है। तो देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नंबर जो है ये सी डबल बॉन्ड, और ये जो है सी, चेंज कर लेता हूं, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये OH में बदल जाएगा, और ये Si3- के रूप में बदलेगा, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन की जरूरत है, और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, भाई ये एसिड है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि H+ आसानी दे देगा, तो ये CH3 इसको दे देगा, ठीक है। तो यहां से कहने का मतलब प्रोटोन दे देगा, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड सी, और ये बन गया CO, O- तो बन ही गया, और साथ ही साथ बना बच्चों CH3, ठीक है। तो अब आप जो है ऑप्शन पहचानिए कौन सा होगा। तो गौर से देखिए, एक तो प्रोडक्ट दिया हुआ है CH3, और दूसरा जो अननोन प्रोडक्ट है उसको अननोन प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन से डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से फिर जो है वहां पर जो है CO2 और Na भी लिया हुआ है। तो देखिए स्वाभाविक बात है, यहां पर जो NaOH है तो ये Na+ के रूप में एक सोडियम सॉल्ट बनाएगा ना, O- है Na+, ठीक है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमें करेक्ट आंसर के रूप में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।